I'm really sorry. I don't normally even see the nominations. I have had so many awards, mashallah. Allah's been very kind. I think the award functions have been very kind. I think the work and the directors and producers have been so kind that I am somehow have been part of award functions in some capacity or the other, even on the receiving end in terms of the good awards that have been bestowed upon me. So I have lost that whole system of sitting and watching if I'm nominated or not. I just go have fun. Sometimes I perform if I'm called upon to do so, like the relationship I have with Z. And sometimes I just go and attend and hope that I've done good enough work. I always say an award is actually a recognition of a whole year's work. And whenever I'm given so, I feel very thrilled and thankful. And then I promise myself I work harder. The year I don't get it, I'm still thankful, and I promise myself I work even harder to try and get it next year. So I don't compare, I don't think. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता होगा, उनको यह नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ, खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ. बियॉन्ड दैट आई डोंट रियली सिट डाउन एंड वर्क आउट, बट दिस वन इज अ स्पेशल अवार्ड. तो जब भी मुझे ये वाला बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिलता, थोड़ा बुरा लगता है. तो अगर इस साल नहीं मिलेगा तो अगले साल और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा. जो बाकी हैं फिल्म के अवार्ड, प्रोड्यूसिंग के अवार्ड, राइटिंग के अवार्ड, वो मेरी डोमेन के नहीं है यार. मुझे बेस्ट एक्टर अच्छा लगता है जो मुझे आता है. दैट्स माय मेन कोर जॉब. सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई हार्डर. इफ आई डोंट गेट इट, इफ आई गेट इट आई स्टिल वर्क हार्डर सो आई गेट इट नेक्स्ट ईयर अगेन. ऐसा था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिर्फ और सिर्फ बादशाह खान के नाम पर होता था. सिर्फ अगर ख्याल आता है तो ये होता है कि सिर्फ शाहरुख खान पर इसका नाम होगा. लेकिन अब ऐसा लगता है कुछ सालों से कि ये अवार्ड कहीं ना कहीं बादशाह खान से दूर हो गया है. क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, आप बताइए. आप बताइए, कहिए ना कुछ. नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है. इतने सारे अवार्ड फंक्शन हो गए हैं एंड आई थिंक मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलता है, चाहे मुझे मिले या ना मिले. एंड आई हैव बीन अ वेरी आई एम अ स्पोर्ट्समैन एट हार्ट. I'm very fair playing. There have been years when I've got the award. मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे बेहतर किसी का काम था, लेकिन इतना popular नहीं था क्योंकि award ज़्यादा popular था. Popular category में award मिला है तो ये भी अच्छा लगता है कि अब critics award भी हैं, viewers choice भी हैं और popular award भी हैं. So कोशिश जारी रहती है और ऐसी फिल्में. और मैं थोड़ा शायद काम भी कम करने लगा हूँ. मैं पुनीत को भी बोल रहा था पीछे, यार इस साल मुझे लगता है मैं 4-5 फिल्में कर ही डालूँ. मैं अभी एक फिल्म करता हूँ, थोड़ा मैं आराम पसंद हो गया हूँ. So I've been laid back and it's nice if other actors and actresses, and I think actresses and actors are the same. To me, the quality of work they do is equally important, and when they get the awards, it's nice and I appreciate it. And sometimes I get extremely inspired and want to do even better when I see them, not my own work. So inshallah, as the years go by, aisa waqt phir se aayega ki aapko lagega ki ye awards sare Shahrukh Khan ke hain. हम तो चाहते हैं आपको अवार्ड मिलते रहे शाहरुख. आप जो है व्यूअर्स चॉइस है, टेलीफोन नंबर 5959562. शाहरुख आपको वोट कीजिए, वोट कीजिए. क्या कर रही हैं आप? बातें कर रही हैं बस, वोट नहीं कर रही हैं आप. शाहरुख आपका सेल नंबर है तो शायद डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी. किसी टॉल फ्री नंबर से डार्लिंग वोटिंग नहीं होगी, उससे डेटिंग होगी. स्पेशल परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझको एक मैं एक वर्ल्ड टूर कर रहा था. वर्ल्ड टूर नहीं, छोटा सा मिनी वर्ल्ड टूर कर रहा था. मुझे एक ऐसा दिमाग में आया एक हमारी को एक्ट्रेस के साथ परफॉर्म करने का. एंड होपफुली अभी हमने उसकी शुरुआत नहीं की है, उसका बस थॉट प्रोसेस बनाया है. जो हम आइटम करेंगे वो अच्छा इंटरेस्टिंग होगा. मुझको ऐसा लगता है सबको बहुत पसंद आएगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड लव टू इवन होस्ट सेक्शंस. पुनीत दोस्त है, मोर देन अ जॉब आई डू इट एज यू नो. अच्छा लगता है मुझको. जैसा अभी टोरी साहब कह रहे थे कि जी के साथ उनका पुराना रिश्ता है, मेरे साथ रिश्ता है, मतलब अंडरवेयर भी है, बनियान भी है, दोनों ही साथ में है. तो मुझको भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये बड़ा कंफर्ट का मामला है, अच्छा लगता है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू कम एंड यू नो होस्ट ऑल्सो, बट दिस टाइम आई रियली वॉन्ट टू कीप समथिंग स्पेशल फॉर द परफॉर्मेंस. वर्क हार्डर ऑन इट बिकॉज होस्टिंग इज अ बिग जॉब. तो मैंने पुनीत को बोला, पूरी टीम को बोला कि मैं एक स्पेशल सा आइटम करना चाहता हूँ एंड इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा. बट आई फील वेरी नर्वस because I'm not so good at performing, but I'll try my best and make sure that it works out well. अभी तो यार शुरू भी नहीं की मैंने. अच्छा, अभी तो रिलीज कब होंगी ये मुझे खुद नहीं मालूम है. तुम्हें लग रहा है तीनों रिलीज होंगी?
लेकिन मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं सचमुच कोर पे अभी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और चीज़ें भी करता हूँ, लेकिन आई रियली थिंक आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट एंड डू व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर 20 इयर्स कि मैं कोशिश करके एक्टिंग करता रहूँ. तो अलग किस्म की फिल्में, हैप्पी न्यू ईयर पॉपुलर सिनेमा है, जश्न का सिनेमा है, सेलिब्रेशन का, तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी उस लेवल पे. और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें और सब हम सब जो हैं प्रोटैगनिस्ट हैं फिल्म में. मेरी फिल्म नहीं है, अभिषेक जी हैं, दीपिका हैं, बमन, विवान, सोनू, सब एक इम्पॉर्टेंट, जैकी सर, सबका एकदम इम्पॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, एंसेंबल फिल्म है. बाकी जो है फैन और रईस स्पेशल सी फिल्म है एज एन एक्टर. सो मैं बहुत मेहनत करूँगा और फिर देखूँगा यार. जैसे मैंने बोला नंबर टेलीफोन बता चुका हूँ, बार बार फोन करके अगर तुम वोट देते रहोगे तो कुछ हो जाएगा. बहुत सारे हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे. पहला अवार्ड शाहरुख खान को कौन सा मिला था, उसके बारे में अगर कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें बताना चाहें. पहला अवार्ड द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट, मेरी बड़ी मुझे कोई भी अवार्ड मिले यार बहुत अच्छा लगता है सचमुच. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तबका कोई प्लेटफॉर्म मेरे काम को सराहा रहा है. मुझे बहुत इज्जत है अवार्ड्स की और मैं हमेशा कहता हूँ, मजाक से कभी कभी कहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि सारे के सारे मुझे मिल जाए, लेकिन एक मुझे बहुत दिली खुशी मिलती है जब मुझे अवार्ड मिलते हैं. अपनी फिल्म की एक्टिंग के लिए मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. और जो पहला अवार्ड था मुझको, जब तक मैं मुंबई आया था तो ऐसी सिचुएशन थी कि माँ बाप नहीं थे. सो आई ऑलवेज सेड दिस दैट आई विल बिकम सच अ बिग स्टार दैट माई पेरेंट्स कैन सी माई फिल्म्स फ्रॉम हेवन. तो कोशिश जारी है, अगले 5-10 साल के अंदर शायद इतनी बड़ी फिल्म बना लूँ कि वो भी वहाँ से देख सकें. एंड आई डेडिकेटेड माई फर्स्ट अवार्ड टू माई मॉम एंड डैड, सो दैट वॉज वेरी स्पेशल. एंड नाउ आई डेडिकेट ईच ऑफ माई अवार्ड टू माई चिल्ड्रन. तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्रिटिक्स भी मिल जाए, पॉपुलर भी मिल जाए. एक बेटे को, एक बेटी को, अब तीसरा वाला हो गया तो अभी मैं एक और कैटेगरी कोशिश कर रहा हूँ. ऐसा वो कुछ है कि सुपर स्टार ऑफ द ईयर एंड ऑल, तो बट आई लाइक टू डेडिकेट इट टू माई चिल्ड्रन सो दैट आई कैन नॉट फॉर एनी अदर रीजन टू शो ऑफ और टेल देम हाउ गुड आई एम, बट जस्ट टू बी एबल टू एनकरेज देम कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए. अगर सब कुछ मिल भी जाए जैसे अल्लाह ने मुझे दिया है, कि लगता रहे कि कुछ मेहनत करके हासिल करना जरूरी है. सो आई थिंक ऑफ अवार्ड्स एज समथिंग दैट गिव्स मी इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन बियॉन्ड एनीथिंग एल्स. लोग उसके बारे में कैसा बोलें, क्यों बोलें, छोटा है, बड़ा है, टीवी का है, फिल्म का है, एक्स है, वाई है, जी है, मुझे उनकी बहुत इज्जत है. नहीं, ऐसा लगता है यार कि जो परफॉर्म करते हैं, अमूमन जो परफॉर्म करते हैं वो होते हैं जिनका साल अच्छा बीता होता है. जिनका साल अच्छा नहीं बीता होता उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया नहीं जाता. साल अच्छा बीता होता है तो ऑफकोर्स उनको ये अवार्ड मिलेगा क्योंकि अच्छी फिल्में की होंगी. एक लॉजिक है उसके अंदर. लेकिन कई लोग जो हैं इसको थोड़ा सा सिनिकल अंदाज से देखते हैं. एक डिस्कशन ये है कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप सही हैं, बहुत सारे हैं मुझे लगता है, लेकिन 2-4 या 3 अवार्ड ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं और आई थिंक उनकी जो गरिमा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, जिस तरह से वो किए जाते हैं, जिस लेवल पे किए जाते हैं, वो एंटरटेनिंग तो होते ही हैं. तो चंद्रकांत के सामने खड़ा हो गया दोस्त. तो उसकी जो उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उसमें एक फीलिंग है कि जो भी कलाकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक इज्जत दी जाती है. ये डिस्कशन जिंदगी भर चलता रहेगा कि अवार्ड की गरिमा कितनी है कितनी नहीं है, बट आई थिंक दे आर इनफ इन दिस कंट्री विच आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड. ऑफकोर्स दिस बींग द फोरमोस्ट अमंग्स देम एंड यू नीड टू यू नो प्ले इट अलॉन्ग. जैसे अभी टेलीविजन चैनल कितने हो गए हैं, जर्नलिज्म इतना बढ़ गया है, राइटर्स इतने सारे आ गए हैं, विच डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटर्स और जर्नलिस्ट और टेलीविजन चैनल्स. आई थिंक दे आर वेरी मेनी बट यू नीड टू चूज एंड से ओके दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड इफ यू गेट वन ऑफ दोज यू शुड टेक इट विद अ लिटिल मोर सीरियसनेस. बट द अदर्स आर देयर फॉर फन, एंटरटेनमेंट एंड गुडनेस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज वी आर इन दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एंड दैट काइंड ऑफ स्टेज ऑफ एंटरटेनमेंट राइट नाउ. सारे कॉलीग्स हैं यार जो बाकी अवार्ड फंक्शन पे परफॉर्म करेंगे, होस्ट करेंगे, और सबके सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा और बड़ा होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम द बायस के मेरे दोस्त हैं जी वाले, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम दुनिया भर में हम लोग जाकर ये अवार्ड कर चुके हैं. कई बार मैंने परफॉर्म किया है, कई बार होस्ट किया है, कई बार जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. बट जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एक तरह से जो कलाकार करना चाहता है उसको
एक फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेस करने के लिए प्रोडक्शन के अंदर टेलीविजन के माध्यम से और जितने लोग देखते हैं जैसा अभी बताया गया 52 मिलियन पीपल सॉ इट लास्ट ईयर द अवार्ड फंक्शन. तो आर्टिस्ट को यही बात अच्छी लगती है कि लोग जो हैं उसके काम को बहुत सारे लोग देखें. सो मुझ पे दारोमदार नहीं है. एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं पूरी मेहनत करूंगा और मैं ही नहीं जितने एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इतनी मेहनत करेंगे. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह बहुत बड़ा है. सो मैं खुशकिस्मत हूँ और जितने भी एक्टर्स अभिषेक जी हैं और माधुरी जी हैं और बाकी जिनके नाम अभी आएंगे सामने वो सब खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. कलाकार को उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न. एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जी सिने के माध्यम से और कोशिश ही कर सकते हैं एंड होपफुली इट विल टर्न आउट वेल फॉर एवरीवन. सारे कॉलीग्स हैं यार जो बाकी अवार्ड फंक्शन पे परफॉर्म करेंगे होस्ट करेंगे और सबके साथ बहुत मेहनत करते हैं बहुत प्यार से करते हैं. लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा और बड़ा होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम द बायस के मेरे दोस्त हैं जी वाले. ये जो प्लेटफॉर्म है हम दुनिया भर में हम लोग जाकर ये अवार्ड कर चुके हैं. कई बार मैंने परफॉर्म किया है कई बार होस्ट किया है कई बार जस्ट ऐसे ही पार्टिसिपेट किया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट. बट जो ये प्लेटफॉर्म है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. एक तरह से जो कलाकार करना चाहता है उसको एक फ्रीडम मिलती है एक्सप्रेस करने के लिए प्रोडक्शन के अंदर टेलीविजन के माध्यम से और जितने लोग देखते हैं जैसा अभी बताया गया 52 मिलियन पीपल सॉ इट लास्ट ईयर द अवार्ड फंक्शन. तो आर्टिस्ट को यही बात अच्छी लगती है कि लोग जो हैं उसके काम को बहुत सारे लोग देखें. सो मुझ पे दारोमदार नहीं है. एज अ प्रोफेशनल एक्टर मैं पूरी मेहनत करूंगा और मैं ही नहीं जितने एक्टर एक्ट्रेसेस बाकी अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इतनी मेहनत करेंगे. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह बहुत बड़ा है. सो मैं खुशकिस्मत हूँ और जितने भी एक्टर्स अभिषेक जी हैं और माधुरी जी हैं और बाकी जिनके नाम अभी आएंगे सामने वो सब खुशकिस्मत हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. कलाकार को उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न. एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जी सिने के माध्यम से और कोशिश ही कर सकते हैं एंड होपफुली इट विल टर्न आउट वेल फॉर एवरीवन. आई थिंक दे वुड फिट इनटू द कैटेगरी दैट इवन जी मस्ट हैव हैड. इनके एक बड़ा अपना पैरामीटर है कि किस तरह से व्यूअर्स के अवार्ड्स आते हैं. बट पर्सनली इफ यू आस्क मी एक तो वो फिल्म होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आई हो चाहे आर्टिस्टिकली पसंद आई हो या कमर्शियली पॉपुलरली पसंद आई हो. उसके सी मैं थोड़ा सा फिनिकी हूँ एक्टिंग के बारे में तो अगर मुझको कभी जूरी पे बिठा दिया गया तो मैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाऊँगा. बट आई थिंक यस आई वुड कंसिडर फर्स्ट थिंग आई वुड कंसिडर इज दैट मेल एंड फीमेल परफॉर्मेंसेज आर कंसिडर्ड एट अ सिमिलर लेवल. ऐसा नहीं होना चाहिए बेस्ट एक्टर अगर हो तो लड़की को भी मिल सकता है. एक्टर इज एन एक्टर वेदर इट्स इट्स अ जेंटलमैन और अ लेडी. And so I might make a viewer's choice award like that. Distinctions ab karne lag gaye hain. Comedic role ke liye alag hota hai, villainous role ke liye alag hota hai. So I think the popularity plus the artistic part of it, uska mix main zarur dekhunga. Jo Z mein hai, aur kai baar usme demarcation bhi kar lete hain ki hum ek critic award bhi rakhte hain aur ek artistic aur popular award bhi rakhte hain. So but I would be very very strict about performance. अवार्ड मिलता है अपने बच्चों के जो बेड के किनारे टेबल है उस पर जाकर रख देता हूँ कि सुबह जब स्कूल जा रहे हो तो उसको देखें. और मैंने एक मुझे पता नहीं सही है कि गलत है लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे अभी तक शायद 172 अवार्ड मिल चुके हैं. मुझे मालूम नहीं है सच है कि नहीं है क्योंकि मैं हर चीज जो पढ़ता हूँ उसको मानता नहीं हूँ बट ऐसा कहा गया है. बट अभी भी मैं जो है जो अवार्ड मिलता है वो जाके अपनी बेटी के सिराने रखता हूँ या अपने बेटे के सिराने रखता हूँ ऐसा अल्टरनेट करता रहता हूँ. जब दो मिलते हैं तो दोनों के सिराने रख देता हूँ. जैसा मैंने कहा अब तीसरा वाला हो गया है तो ज़्यादा जीतने पड़ेंगे. बट बहुत खुश होते हैं वो और अगले दिन सुबह या जब स्कूल से आते हैं तो दो चार मिनट मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि अवार्ड जिस चीज़ के लिए मिला है वो मेहनत की वजह से मिला है सो दैट दे कैन लर्न दैट पार्ट ऑफ इट नॉट द स्टारडम द ग्लैमर All the trappings that surround a star. I think इस बात को जाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ और उसकी वजह से कभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है बहुत सारे लोगों की मेहनत की वजह से. और अगर ऐसा करते रहोगे तो कोई ना कोई उसको रिकग्नाइज करेगा और तुमको सराहेगा. एक नॉर्मल सी बात होती है जब आदमी जीतता है तो लगता है उसका हक है
जब आदमी नहीं जीतता है तो उसको बुरा लगता है कि शायद यार इसके अंदर कुछ कमी रह गई, मापदंड में कमी रह गई, थोड़ा सा जूरी या वोटिंग एक्स वाई. सी यू हैव टू फाइंड अ रीजन ऑलवेज इन योर लाइफ व्हेन यू हैवंट गॉट इट राइट. And opinions, like you said, on social networking sites and people, that's an opinion, and that will always remain. For years, it has remained. But जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, you go and think यार, जो मैंने किया है, ये मेरे मेहनत का फल है, और उसकी वजह से मिला है. As long as you are honest in your heart and work hard and receive something for your hard work, you have to accept it with graciousness, gratefulness, and thankfulness. Anybody who has a different opinion, they are very welcome to it, but I think from my point of view, it's a little cynical. I don't think like this. Like I said, jokingly, I have received too many awards to look down upon them. Like I said, I have an immense amount of respect for them, and I will always respect them. That is why I attend all the award functions, whether I'm getting an award or not. Either I perform at them, host them. I have always tried to do that with as much sporting spirit that I have, because I have been chosen enough times to be awarded some. If somebody doesn't believe it is right, it's their belief, I can't question it, but I think it's a little cynical. Two things about this. One, I will not take a moral high ground and comment on the reasons for my colleagues working or taking on a job. I think, again, it's extremely unfair. We don't know the details of why they have done it, how they have done it, should they have done it or not. I can't take a moral high ground. I'm a performer myself. There have been times when I've gone and done a performance because I'm a performer and acted on stage, not realizing sometimes, not being aware sometimes, that there are other issues surrounding the area that I'm working in. It could be a reason like this. It could be a reason that, better judgment could have prevailed, may not have prevailed. But having said that, I will never take a moral high ground and mention on the choice of work my colleagues do. What they have done is completely their choice, right, wrong, from which point of view media is seeing it. I've been seeing it myself, we were watching it. I don't think I can really comment on it. I hope it wasn't to be so and become controversial. Having said that, I do think Bollywood sometimes is picked upon unfairly and commented upon out of turn just because one can. But having said that, I won't take a moral high ground and say, would I have done it? Wouldn't I have done it? I'm not part of it. I don't think I should be talking about it. And I'd like to say something. It's a really nice question, young lady, that you've asked. I think, literature, written material is somehow getting a little ignored because of this wonderful, invention called television, and especially channels like Zee, which have taken over the world. 700 million people watching it. I think it's extremely important for platforms, modern platforms like this, कि इतने जो नए तरह के platform आए हैं, जो हमारे बच्चे देखते हैं, घर के लोग देखते हैं, और आपने जैसा कहा कि हम normally इसको mass audience से relate करते हैं, but as a matter of fact, ये familial audience, family audience के साथ हम relate करना चाहिए, Zee जैसे channel को, तो ये बहुत जरूरी है कि वो लिटरेचर के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, ऐसी चीजें जिसको हम कभी कभी अब इग्नोर करते हैं या जो इग्नोर होने लग गई हैं क्योंकि उनके पास ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म नहीं है. समवन लाइक Zee टेक्स इट ओवर एंड अदर टीवी चैनल्स आल्सो. आई थिंक इट्स एन अमेजिंगली कमेंडेबल थिंग. और मुझको भी कहा था पुनीत में वहां मैं आ नहीं सकता शूटिंग की वजह से, बट इंशाल्लाह व्हेनेवर आई गेट अ चांस, आई थिंक लिटरेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड इफ दे कैन मेक लिटरेचर मासी इन टुडेज टाइम बाय ब्रिंगिंग इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बून फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री एंड एल्सवेयर. एक्चुअली यार थोड़ा सा अनएजुकेटेड है. अगर हम एक चीज को ही अगर स्टारडम को हम उसकी परिभाषा दे सकें, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकें, तो बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं. मैं सच बताऊं, किसी को मालूम नहीं कि क्यों आदमी या औरत स्टार बन जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर. तो अवार्ड जो है उनके स्टार बनने को सेलिब्रेट करते हैं. उस स्टार बनने में क्या मेहनत लगती है, ऑडियंस उसे क्या पसंद करती है, चॉइस ऑफ वर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो आई डोंट थिंक वन थिंग कैन रेटिफाई या जस्टिफाई कि आप इस वजह से स्टार हैं क्योंकि आपको अवार्ड मिल गया. आई थिंक स्टारडम इज एन इनटेंजिबल थिंग. उसको पकड़ा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता. तो इसलिए उसको किसी एक माध्यम में कैद करके रखना रॉन्ग हो. आई थिंक स्टारडम जो है बहुत फ्री फ्लोइंग है यार. मिले अवार्ड नहीं मिले, लोग हर चीज को पसंद करते हैं. किसी की पसंद पे कोई पाबंदी नहीं है. आई डोंट थिंक इट डीमार्केट्स कि आप सबसे बड़े स्टार हैं क्योंकि आपको बहुत सारे
अवार्ड मिले हैं, सिवाय मेरे केस में, वो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन मेरे जैसे केस वन इन अ बिलियन होते हैं, वो हर रोज नहीं होते. ये जोक है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज हाँ चैनल में से दिखाना मत कि मैं शो ऑफ कर रहा था, ऐसे ही मजाक से बोल दिया मैंने, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दी. मैंने सोचा है कि अब मैं जोक नहीं करूंगा, इसलिए होस्टिंग भी कम कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा एक छोटा सा जोक कर दिया था. बट जेन्युइनली स्पीकिंग आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स बिसाइड्स अवार्ड मेक अ स्टार.